किसी गांव में छोटू नाम का एक सेठ रहता था। वह थोड़ा नाटा था, इसलिए घर में सब उसे छोटू कहते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर में सारा काम नौकर चाकर करते थे। छोटू के बस दो काम थे, खाना और सोना। नतीजा यह हुआ कि वह छोटू मोटा होता गया। सब उसे अब मोटू सेठ कहने लगे। मोटापे के साथ अनेक रोग आते हैं। मोटू सेठ को भी कई बीमारियों ने घेर लिया। जरा सा चलता तो हांफने लगता, जो खाता वह पचता नहीं था। शरीर तो मोटा था पर ताकत बिल्कुल नहीं थी। शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज चला पर सेठ की बीमारी ठीक नहीं हुई। थक हार कर वह अपने गांव वापस आ गया। कुछ दिनों बाद एक महात्मा जी उस गांव के निकट के जंगल में आकर रहने लगे। वे जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी करते और उनसे रोगों का इलाज करते। गांव के अनेक लोगों की बहुत पुरानी बीमारियां उन्होंने ठीक कर दी। मोटू सेठ को भी इस बात की सूचना मिली। उसने अपने एक नौकर को उन्हें बुला लाने के लिए भेजा। महात्मा जी ने कहा, अपने सेठ से कहो कि वह स्वयं यहाँ आए। मरता क्या ना करता, मोटू सेठ दूसरे दिन महात्मा जी से मिलने गया। जब वह उनकी कुटिया में पहुंचा तो वहां महात्मा जी नहीं थे। काफी देर इंतजार करके सेठ गांव वापस आ गया। दूसरे दिन वह फिर मीलों चलकर महात्मा जी की कुटी तक गया। वहां महात्मा जी तो नहीं थे पर उनका एक चेला दवाइयां कूट रहा था। उसने बताया कि महात्मा जी तो सुबह सुबह ही जड़ी बूटियों की खोज में निकल जाते हैं। सब रोगी सूरज निकलने से पहले ही आते हैं। फिर क्या था, तीसरे दिन सेठ मुंह अंधेरे ही निकल पड़ा, यानी कि सुबह बहुत जल्दी ही अंधेरे में ही निकल पड़ा। पर महात्मा जी उस दिन भी नहीं मिले। उनके चेले ने कहा, आपके लिए महात्मा जी ने यह दवा रखी है और कहा है कि आपको रोज यहाँ आकर यह दवा खानी होगी, क्योंकि यह दवा रोज ताजी बनानी पड़ती है। सेठ रोज आता और दवा खाकर वापस गांव आ जाता। ऐसा करते करते 2 महीने गुजर गए। सेठ अब ठीक हो रहा था। अब चलते हुए वह हांफता नहीं था, खाना भी ठीक से पचने लगा था। एक दिन जब वह कुटी में पहुंचा तो महात्मा जी वहां बैठे थे। सेठ ने चरण छूकर कहा, महात्मन, आपकी दवा में तो जादू है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, सेठ, मैंने तुम्हें कोई दवा नहीं दी। जौ का थोड़ा सत्तू पुड़िया में देता था। तुम्हारे रोग का कारण तुम्हारा निठल्लापन था। बेटा, ध्यान रखो, सबसे बड़ा धन स्वस्थ शरीर है। यह तभी स्वस्थ रहता है जब उससे काम लेते रहो। तुम 2 महीने लगातार मीलों चलकर यहाँ आते रहे, यही तुम्हारा इलाज था। सेठ महात्मा जी की बात को अच्छी तरह समझ चुका था। अब वह स्वयं खेतीबाड़ी के काम करने लगा। वह समझ चुका था
कि शरीर से हम जितना काम लेंगे वह उतना ही स्वस्थ रहेगा। सब अब उसे फिर से छोटू सेठ कहने लगे थे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी और इस कहानी से हमने क्या सीखा? यह कहानी हमें परिश्रमी और कर्मठ बनने की सीख देती है। स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए शारीरिक श्रम बहुत जरूरी है। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े खाने वाला व्यक्ति सिर्फ मोटा ही हो सकता है, स्वस्थ नहीं। इसके लिए हमें अपने सारे कार्य स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।